Franchise Expo 2016 के फूड सेक्शन में हमने विजिट किया, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, लेकिन सभी स्टॉल के बीच में जो सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें दिखा वो था सिक्स पैक मोमोज। हजारों लोगों ने अभी तक विजिट किया है, 21 अक्टूबर को ये लॉन्च होने वाला है और लोग काफी एक्साइटेड हैं। खाने पीने के शौकीन लोग दिल्ली को मोमोज कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अगर आप भी मोमो फैन हैं, तो आपके लिए ये खबर काफी दिलचस्प है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अब आपको एक दो नहीं बल्कि पूरे 250 तरह के मोमोज खाने को मिलेंगे। जी हाँ, सिक्स पैक मोमोज के नाम से मोमोज इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी एंटर कर रही है जिसका दावा है कि ये इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। प्रगति मैदान में चल रहे फ्रेंचाइजी एक्सपो में भी सिक्स पैक मोमोज ने अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने प्रेजेंट किया और विजिटर्स ने भी सिक्स पैक मोमोज में खासी दिलचस्पी दिखाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रेंचाइजी एक्सपो 2016 में और फूड एंड बेवरेज सेक्शन में हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ डिफरेंट है ऑफर करने के लिए इनके पास और यहाँ पे कुछ अलग क्या है। तो हमने देखा कि सिक्स पैक, जब भी आप बोलते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि सिक्स पैक एब्स से वो रिलेट करता है, बट यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सिक्स पैक मोमोज। और सिक्स पैक मोमोज क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसी को समझने के लिए हम अभी इस काउंटर पे पहुँचे हैं। यहाँ चल के बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है सिक्स पैक एब्स, और अब हमें सुनने को आ रहा है सिक्स पैक मोमोज। सो अभी हम बात करेंगे यहाँ हम हाय, व्हाट्स योर नेम? दीपक। दीपक जी, ये सिक्स पैक मोमोज क्या है? मार्केट में तो अभी तक हमने सिक्स पैक एब्स का बहुत नाम सुना था, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सिक्स पैक मोमोज का मीनिंग है सिक्स पीस इन अ वन पैक, सो इट्स मीन सिक्स पैक इट्स कॉल्ड। सर हमारा बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, मशीन कट कॉन्सेप्ट है, 250 प्लस वराइटीज़ हम मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं। दिस इज रियली न्यू कॉन्सेप्ट विच यू नेवर हर्ड अबाउट। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आपको दिमाग में आया और कैसा रिस्पॉन्स आपको मार्केट से मिल रहा है उसके बारे में? मार्केट से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, फ्रेंचाइजी एक्सपो में हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो क्या प्लान है अभी इन फ्यूचर, जो अभी जो रिसेंट में, और आप लॉन्च कब करने जा रहे हैं इसको? 21st of October हमारा लॉन्च हो रहा है ब्रांड, हमारी कार्ट अनवीलिंग होगी 21st of October। सिक्स पैक मोमोज काफी बड़े मेन्यू कार्ड और स्तर पर फूड मार्केट में दस्तक दे रही है, ऐसे में मार्केटिंग और प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी भी इम्पोर्टेंट है। हमने बात की मार्केटिंग और प्रोडक्शन टीम से और जाना कि किस तरीके से वो इतने बड़े लेवल पर मार्केट में अपनी जगह भी बनाएंगे और डिमांड्स को भी फुलफिल करेंगे। और कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कस्टमाइजेशन, लोगों को आजकल अपने तरीके से खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन एक्चुअली चूजिंग व्हाट इज अवेलेबल इन द मेन्यू। सो वी गिव देम अ फुल कस्टमाइजेशन ऑप्शन ऑफ यू नो From gravy to stuffing to the dips, we have a whole range of variety which I don't think anybody else is offering in the market. So you get what you want and you get what you imagine. इतना बड़ा वैरायटी में दिल्ली में NCR में किसी के पास भी नहीं, इंडिया लेवल पे। हमारा सबसे हमारा बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी कोरियन मशीन्स हैं विच कैन मैनुफैक्चर 10,000 मोमोज इन एन आवर। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अस, जो हमारे को काफ़ी हेल्प करेगा प्रोडक्शन में। जो हमारी ग्रेवीज हैं, जो हमारी सॉसेज हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और हमारी रेसिपी बिल्कुल मेंटेन है, जो हमारे को काफ़ी हेल्प करेगी हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन में। क्वालिटी की भी एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे, जब एक नया ब्रांड आता है, नई चीज़ आती है, तो लोग टिकते तो क्वालिटी के नाम पे है, तो क्वालिटी कैसे एश्योर करेंगे आप? क्वालिटी के लिए हमने सबसे पहले, हमारे जो शेफ्स हैं वो सारे अच्छे 5-star लेवल के शेफ्स हैं। हमारे किचन में सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। हमारे जो लाइसेंसेस हैं वो सारे हैं, हमारे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिसमें बिना हाथ लगाए मोमोज बनता है, तो मेरे ख्याल से क्वालिटी के हिसाब से हम एकदम परफेक्ट हैं। फ्रेंचाइजी एक्सपो में सिक्स पैक मोमोज को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जहान खुराना भी खासे उत्साहित हैं। सिक्स पैक मोमोज टीम को उम्मीद है कि उनके काउंटर तक पहुंच रही इन्वेस्टर्स की ये भीड़ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स में भी तब्दील होती दिखेगी। रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लोगों ने बहुत पसंद किया है। दिस मेक्स अस रियलाइज कि पीपल आर एक्सेप्टिंग अस एज अ ब्रांड। इतने सारे लोग इतने दूर दूर से, देयर आर पीपल फ्रॉम हिमाचल, देयर आर पीपल फ्रॉम दार्जिलिंग, पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया, दे हैव शोन सो मच इंटरेस्ट इन अस, वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। 8 साल से इस बिजनेस में है, इस फील्ड में है,
90s में सबसे ज़्यादा समोसा बिकता था, उसकी जगह मोमोज ने ले लिया। ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर था जिसको हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर मेकिंग अ ब्रांड आउट ऑफ समथिंग विच वाज सोल्ड ऑन द स्ट्रीट्स। इन्वेस्टर्स को भी सिक्स पैक मोमोज में अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। दिल्ली दर्पण टीम ने कुछ इन्वेस्टर्स से भी बात की जो कि मोमोज फ्रेंचाइजी में अच्छे प्रॉफिट्स की उम्मीद कर रहे हैं। How do you see it as a business prospect? Lots of potential market. I see it's lots of many markets because the low cost investment is there. So I think many of the investors will be interested on it because the break even also I have seen between 8 to 9 months you can achieve the break even also. So I suppose this is a very good viable business. तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि सिक्स पैक मोमोज की लॉन्चिंग कैसा रेवोल्यूशन लेके आती है मोमोज कैपिटल दिल्ली में। प्रगति मैदान से कैमरामैन लोकेश के साथ अभिजीत ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी।